हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो। तो हम लोग हैं अभी तलोजा में सैयद गोट फार्म पर। गुफरान भाई मतलब पूरा यहाँ पे संभालते हैं। गुफरान भाई का पूरा शौक है तो आज बताने वाले हैं कि इनके कौन कौन से बकरे क्या क्या वेट गेन किए हुए स्टार्टर फीड को लेकर। तो ये आप लोगों को दिखा देते, ये पूरा फार्म का एंट्रेंस है सैयद गोट फार्म का। और हमारे साथ में क्योंकि भाई भी है। भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया है भाई। भाई स्टार्टर पे अपने कौन कौन से बकरे तैयार हुए, मतलब कौन कौन से बकरों का स्टार्टर चलता है? स्टार्टर उधर वो है मस्तान है, ये मस्तान है, ये कोटा है, ये भी कोटा है, ये सबको मतलब स्टार्टर चलता है। हाँ हाँ सबको स्टार्टर भाई। ये भी कोटा है, ये भी तोता पर है, गुजरी, ये भी हैदराबादी। स्टार्टर सब बकरे को चलता है भाई, सारे बकरों को चलता है, छोटे बच्चे से लेके बड़ों को सब ज्यादातर कोटा में गुजरी में। हाँ। और ये जो सबसे बड़ा साने ने, हाँ। इसको भी यही स्टार्टर फीड। हाँ, हाँ, स्टार्टर। तो कैसा मतलब शेड्यूल रहता है खिलाने का, सुबह टाइम देते हो या एक ही टाइम देते हो? नहीं भाई, हम लोग शाम के ही देते हैं, 7-8 में और 9 बजे तक अनाज देते हैं बकरे लोग। 9 बजे तक अनाज देते हैं स्टार्टर फीड का। और सारा रिजल्ट आप लोगों के सामने। भाई कैसा मतलब आपको वजन मिला है, रिजल्ट कैसा? वजन अच्छा खासा, बकरे फीड पे तैयार होते हैं बकरे। और बकरे शौक से खा रहे हैं या छोड़ देते हैं? भाई पूरा फुल शौक से खा रहे हैं। ये पूरा इनका फीडिंग का बनाया हुआ है, इसी में ही पे मतलब ऐसे कैरेट में रख के देते हैं। हां घमेला में रख रखे, घमेला में रख रखे देते हैं। ये है फेरोल वेट और इसका रिजल्ट भी आप लोगों को बताते हैं और बकरी क्या शौक से पीते वो भी दिखाते हैं। तो ये ले लीजिए भाई। हाँ और बताइए कि कौन सा बकरा सबसे शौक से पीते हैं? सब पीते हैं। हाँ। वो तो आप नहीं पीलेगा गुच्छी। और इससे पहले जब भी दिए थे तब बता रहे कि चुन्नी में ऐड करके दिए थे ना? हाँ। और अभी सीलिंग से दे रहे, इससे कैसा होता है कि बकरों का जो बॉडी में नया खून है वो भी बनता है और बकरे हेल्दी रहते हैं। जो बकरे कमजोर वीकनेस वगैरह में उनके लिए चलो थोड़ा थोड़ा लेके सबको ट्राई करते हैं और आप लोगों को भी दिखा जाए कि बकरे क्या शौक से पी रहे हैं। एक बार इसको खुशबू लगना चाहिए ना, बस डायरेक्ट मतलब एक बार उसको पसंद आ गया तो फिर डक खुद से पी लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और बच्चों में भी इसमें भी किसी को देते हैं? ये तो भी बहुत छोटे। अभी बच्चे को अनाज नहीं देते, अभी बच्चे को हरी पत्ती टोर डाल के भूसी। अच्छा। गवाल फली तो सारा के सारा आइटम जो है पीएनएससी ऑलमोस्ट आ रहा है ना? टोटल पीएनएससी। इनके भूसा भी आता है, चना चुन्नी में भी कुछ जाता है अपने पास में? चना चुन्नी टोर डाल के चुन्नी खिलाते हैं। अच्छा टोर डाल की चुन्नी। और ये फीमेल है? अभी जैसे बकरियां हैं तो बकरियों को स्टार्टर तो नहीं देते? नहीं बकरियों को स्टार्टर, बकरियों को हफ्ता में एक आध बार दे देते हैं, हफ्ता में भी डालते हैं एक आध बार। मतलब इनको कैसा वजन बढ़ा के तो मतलब है नहीं, नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए दिया जाता है। और ये आपकी बकरी सुमैया, इसका क्या फीडिंग चल रहा है अभी? क्या हरी पत्ती, हरी पत्ती, हरी पत्ती टुआ डाल के भूसी। चलो बढ़िया। ये पूरा एक 10 ml का सीरिंज है, अगर एक बकरे को देना तो पूरा 10 ml देना पड़ेगा एक टाइम पे? नहीं वो वजन के हिसाब से देते हैं। वजन के हिसाब से? हाँ वजन के हिसाब से देते हैं। कम दिए तो भी मसला नहीं ऐसा? नहीं हाँ कम दिए, ऐसे तो कंपलसरी 5 ml दे सकते हैं बकरे को। 5 ml? हाँ 5 ml दे सकते हैं। तो भाई तुम बोल रहे हो तुम एक्सपीरियंस की हो। हाँ उस हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल 5-5 ml भी इनफ है क्योंकि आप रेगुलर पिला रहे हो तो आपको आइडिया है ना। इसमें एक एक में पिलाने में थोड़ा मेहनत ज्यादा है, बाकी अगर चुन्नी है आपके पास में या कोई फीड है तो उसमें मिला के भी आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल हाँ। खाली एक बार उसको खुशबू लगेगी, अच्छा फ्लेवर है तो बकरा खुद ऑटोमेटिक चाटेगा। अभी आपने ऑलमोस्ट मतलब 5 ml ही लिया है? हाँ हाँ 5 ml ही लिया है। अभी किसको पिलाएंगे? सही है, ऐसा है कि नाटक नहीं करते ना? नहीं अब उसको खुशबू लग गई है, चाट रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि इन्होंने पहले भी ये पिया हुआ है तो उनको आदत हो गई है, हैबिट हो गई है ना, अब उसको टेस्ट लग गया तो और चाट रहा है। बहुत बढ़िया, तो पूरा सिरिंज ही खा लेगा, खा ही जाएगा वो पूरा। 4 महीने का भी नहीं मतलब था, एकदम 7 महीने का था अपने पास, लेकिन उसको अपन लोग तैयार किए हैं। चलो बढ़िया, मतलब मेंढे भी जो है वो स्टार्टर फीड खाते हैं? हां स्टार्टर स्टार्टर। और ये जो बर्बर है ये तो शौक से खाते हैं? हां ये तो शौक से। तो ये सारी है बकरियां भी, इनके पास में बकरी भी है और ऑलमोस्ट इनको स्टार्टर फीड भी चलता है और दूसरी भी इनके इसमें भूसे है चुन्नी है, ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। और आप लोग रिजल्ट खुद देख सकते हैं। इस बकरे में अंदर से दिखा देते एक बार? हाँ भाई दिखाता हूँ। एक ये मेवाती बताया था ना? हाँ। चलो इसकी भी अपना हाइट और लेंथ देखिए और जो तैयारी इसकी है वो देखिए। सेरा है अपना। इसको बेचना है क्या बस ऐसे ही शॉप के? ब्रीडर है अपने, ब्रीडर है। तो इसकी बकरी अभी आई नहीं है क्या? है बकरी है ना, काली कोटी है। अच्छा उसी से लगाएंगे।
ये किए हैं। और इसका नाम क्या बताया था भाई? उसका नाम मस्तान है भाई। मस्तान, मस्तान। माशाल्लाह इसकी तैयारी देखिए तो इसको पकड़िए। हाँ भाई मस्तान, इसका मेरे को तो लग रहा है ये 100 के प्लस ही होगा। पूरा पूरा फुल शौक से खाता है मस्तान। और स्टार्टर फीड कितने टाइम देते हो? सुबह शाम देते हो या एक ही टाइम? शाम में नहीं, शाम के बस एक ही टाइम स्टार्टर, एक टाइम स्टार्टर हो, बाकी टाइम भूसी चना चुनी, दोपहर चुनी देते हैं, सुबह में हरी पत्ती। माशाल्लाह बहुत अच्छा वेट गेन किया हुआ। इसका कुछ आइडिया है कितने पे आया था, कितने किलो पे? अब आए अभी 98 पे था। नहीं नहीं आया था अभी कितने पे था? आया था तो अपने पास आया था तो तभी 30-35 किलो के था, 30-35 किलो। हाँ। और अभी ऑलमोस्ट 100 प्लस कर चुके हैं। हाँ। अभी के तुअर का भूसा खा रहे हैं क्या? हाँ भाई तुअर डाल का भूसा डाला गया था, अभी वो खा के खत्म कर दिया है। एंड का बस नहीं। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये स्टार्टर की रिजल्ट है, आप लोग खुद देखिए। एंड अगर आप लोग भी मंगाना चाहते हैं तो दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करिए। अपने मस्तान को भी दिखाइए ना मस्तान। हाँ भाई मस्तान तो खुद अपने से देगा, देखेगा तो मस्तान अपने से पीता है। खाली नजदीक लेके जाना पड़ेगा ना। हाँ नजदीक लेके जाने का है, काफी है मस्तान के लिए अभी। मस्तान खाली इसको ऐसा कि नजदीक एक बार ले जाओ, ये अपने को ही मारता है अभी। नहीं देखिए हेल्थ सप्लीमेंट चालू रहेगा तो ऐसा कि टेस्ट एक बार खुशबू आ गई तो भी खत्म। खुशबू से खाली चालू, देखिए इसको खाली देखिए, इसको देखिए खाली आ जाएगा। इसको हटा दिया, ये देखिए बहुत बढ़िया। ये जो सप्लीमेंट है ये डेली एक बार देना जरूरी है अगर आपको अपने बकरे को हेल्दी रखना है और थोड़ा बॉडी में अच्छा शाइनिंग चाहिए। अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है भाई, एक नंबर। इससे पहले भी यूज किए हो? हाँ हाँ, इससे पहले भी। बॉडी में शाइनिंग अच्छी है और नया खून बनाने में हेल्प करता है। हाँ हेल्प करता है बहुत ज्यादा। सारे बकरों में भी फीडबैक है, रिजल्ट अच्छा है, स्टार्टर का भी है और ये सप्लीमेंट का भी है सबका। तो आप किसी को सजेस्ट करो ये सप्लीमेंट पिलाने के लिए अगर कोई फार्म वाला है तो? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा चीज है तो यूज करना चाहिए भाई, बिल्कुल। चलो एक लास्ट किसी को दे दो अगर कोई और बकरा पीता रहेगा। लास्ट खुशबू लग गई, सप्लीमेंट है, दवा जैसा नहीं है, मतलब बकरे शौक से पी रहे। पिलाओ, ये नहीं पिया ना, इसको पिलाओ। किसको? फुटबॉल नाम है, एक नंबर फुटबॉल जैसा हो। ये देखिए ये लात मारता है पहले सप्लीमेंट को, लेकिन बाद में चटा देंगे तो पी लेगा भाई, एंजॉय से नाटक करेगा, थोड़ा मुंह में ले लेगा तो ले लेगा। देखिए अब टेस्ट लग गया, टेस्ट लग गया, मतलब बहुत शौक से पी रहे हैं, शौक से पीते हैं सब बकरे। चलिए बहुत बढ़िया, ये सैयद गोट फार्म के बकरे हैं। और अभी हम लोग दिखा रहे थे ये फेरोल वेट, अगर आप लोग भी इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर। अच्छा चीज है बकरे को एकदम, एक नंबर हेल्थ सप्लीमेंट के लिए बहुत अच्छा चीज है। और भाई ने बोल दिए ऑर्डर करना है तो करना है, बिल्कुल भाई। हम लोग तो पिलाते हैं, रेगुलर पिला रहे हो और हाँ। अच्छा रिजल्ट आएगा तो कोई क्यों नहीं पिलाएगा, बिल्कुल अच्छा चीज आएगा कोई भी लेगा। चलिए भाई पूरा टेक केयर यहीं पे करते, पूरा बकरों को ध्यान यही देते हैं और रेगुलर पिलाने वाले को समझ में आ जाएगा कि क्या बकरों में रिजल्ट है। एक दिन दो दिन में समझ में नहीं आता, कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए कम से कम 15-20 दिन देना है। तो ये पूरा सैयद गोट फार्म का सेटअप है, हम लोगों ने और वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर जाकर जरूर चेक कीजिए। एंड इस वीडियो के लिए रखेंगे बस इतना ही भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।